नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉलिसी। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं और पांचवें चरण का मतदान जो है वो आगामी 20 मई को होगा। कुल 5 लोकसभा सीटों के लिए जो है वो मतदान होना है 20 मई को। इस बार होगा चुनाव सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव। इन 5 लोकसभा क्षेत्र में क्या है माहौल, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे रवि उपाध्याय सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 चरण के मतदान हो गए और चारों चरण के मतदान के बाद आपने जो है वो बताया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस बार हम मतदान से पहले आपसे पूछ रहे हैं क्या है माहौल सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर और सारण में। हम एक एक कर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीतामढ़ी की, जहाँ पर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के करीबी उम्मीदवार देवेश चंद ठाकुर हैं तो दूसरी तरफ अर्जुन राय। किसे मानते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या है माहौल? देखिए, हार जीत तो 5 तारीख को तय होगा, माने जब ईवीएम में जब कैद हो जाएगा इलो का, 5 तारीख को काउंटिंग होगी तब। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ फॉर नेशन की तमाम इन 5 सीटों पर मिल रही है, उसके हिसाब से वहाँ पर आपको देवेश चंद ठाकुर जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनके बीच और अर्जुन राय के बीच मुकाबला है। अर्जुन राय कौन? अर्जुन राय पूर्व सांसद सीतामढ़ी से रहे हैं, लेकिन 2009 में रहे हैं सर। बिल्कुल, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि वह लोकल या सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के नहीं, वो एक बात ऐसे कहा जा रहा है। तो यह एक मामला वहाँ पर सीतामढ़ी में है। और इस बार जो वैश्य वोटर हैं, वैश्य समाज का वोट जो है, तो कहीं ना कहीं जो बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका शिवहर, वहाँ से रितु जायसवाल जो लड़ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट शिवहर में, सीतामढ़ी में देखा जा रहा है कि वैश्य वोट जो है तो पूरी मजबूती के साथ जेडीयू के पास नहीं है। जबकि देखिए, वैश्य समाज के कई कद्दावर नेता जेडीयू के पास में है, लेकिन रितु जायसवाल का इम्पैक्ट यहाँ पर भी हल्का, इतना इम्पैक्ट है कि मतलब कि सीतामढ़ी में मतलब कि वो तोड़ लेंगी वैश्य वोट को। तोड़ जोड़ की बात नहीं, मैंने हम बता रहे हैं जो अब ये पहले 10 दिन पहले तक था, वहाँ पर वैश्य का वोट सीतामढ़ी में 5,30,000 के लगभग है, अति पिछड़ा 2,90,000, मुस्लिम 2,50,000 और यादव 2,10,000। यह जो इक्वेशन बता रहा है, हम बता रहे हैं, उसके बाद से आप देखिएगा कि अब यह जो इक्वेशन है सीतामढ़ी का, वैश्य, अति पिछड़ा, मुस्लिम, यादव, और फिर उसके बाद कुर्मी कोयरी 1,30,000, सवर्ण का 2,60,000, दलित महादलित की संख्या भी स्वर्ण के बराबर है, स्वर्ण 2,60,000 से, तो दलित महादलित भी 2,60,000 के आसपास, माने 4,00,000-5,00,000 प्लस है स्वर्ण, दलित और ये मिला करके। तो ये जो वैश्य की बात कही जा रही है, तो अब जो है सो वैश्य का शिफ्ट करना देवेश चंद ठाकुर की ओर शुरू हो चुका है। वह जो है सो अब देवेश चंद ठाकुर के तरफ जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, कद्दावर नेता हैं, तो ऐसे में आपको वहां पर जो पहले यादव का वोट, निश्चित रूप से यादव का वोट इनके पास पड़ रहा है, मुस्लिम का वोट इनको पड़ रहा है। तो और एक और समीकरण जो मुझे लगता है सर, देखिए ना, 6 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि सिर्फ एक ही आरजेडी का बाज पट्टी से मुकेश यादव जो है वो विधायक है। इस हिसाब से भी देखें तो स्ट्रांग जोन में एनडीए के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, नहीं, वही हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पहले दिखाई पड़ रहा था, तो ये देखिए, अब जनता जो है सो, एक बार हम बार बार कहते हैं कि जनता जो है सो विकास चाहती है, तो विकास के नाम पर ही सीतामढ़ी, और देखिए वो बाढ़ में जो है सो, जब नेपाल से बाढ़ आता था तो हमेशा जो है सो सीतामढ़ी आपको बाढ़ प्रभावित होता था, वो कटा होता था, वो क्षेत्र, वो टापू बना, पूरा डूबा रहता था, बचपन में लोग सुनते थे क्या, वही होता भी था। अब जो है सो पिछले कुछ वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह जो है सो वहाँ से उसके लिए पुल, पुलिया और बांध का प्रबंध जो किया गया है, और रोड सड़क जो तमाम इंटीरियर पॉकेट्स में भी आप देखिएगा, गांव के इलाकों में भी किया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ पर विकास के नाम पर वहाँ की जनता जात पात से ऊपर उठ करके वहाँ पर वोट देती हुई दिखाई पड़ रही है, जो अभी वहाँ पर रियलिटी है, जो सच्चाई वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो यह बात एक आपको
बड़ी बात सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो आप मतलब मजबूत उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर को मानते हैं? निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार हैं भी वह। अब जीत तो हम कह रहे हैं कि जीत तो ईवीएम में बंद होगा और उसके बाद से 5 तारीख को रिजल्ट परिणाम बताएगा कि जनता जनार्दन किसको चुनती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड की सच्चाई है, वह बता रही है कि सीतामढ़ी में निश्चित रूप से इस बार जो है सो विकास के नाम पर लोग वोट डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, तो चलिए, सीतामढ़ी में रवि उपाध्याय सर ने कहा कि स्ट्रांग जोन में है देवेश चंद्र ठाकुर। अब चलिए मधुबनी में चलते हैं। मधुबनी में क्या होने वाला है? एक तरफ एनडीए से उम्मीदवार हैं अशोक यादव, जो हुक्मदेव नारायण के बेटे हैं, 2019 में भी सांसद थे, इस बार भी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। तो दूसरी तरफ लालू यादव का प्रयोग अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, कोई स्कोप है यहाँ पर अली अशरफ फातमी के? देखिए, अली अशरफ फातमी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और टिकट के लिए ही वह जो है सो किस तरह से पाला बदल करके आरजेडी में आए हैं, यह सब लोग जानते हैं। तो यह बात तय है कि वह पाला बदल अली अशरफ फातमी ने क्यों किया। अली अशरफ फातमी ने पाला बदल इसीलिए किया कि हम जो है सो लोकसभा तक चले जाए, सफर तय कर लें चुपके चुपके, और वह पाला बदल उनका हो गया। वह मैं जो डीलिंग होती है चुनाव में, वह डीलिंग करने में सक्षम हुए और वह डील उनका फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल, इसलिए वहां से वह लड़ते हुए आपको दिखाई पड़े। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो वहां पर जो हुक्मदेव नारायण की जो लीगेसी है, हुक्मदेव नारायण की जो बात कही जाती है, हुक्मदेव नारायण अशोक यादव, हुक्मदेव नारायण के पास में कुछ नहीं, वह एकदम इसी तरह से जैसे हैं, उनके पास में जो कपड़ा है, वस्त्र है, वही सब, बाकी बात उनके पास में कुछ नहीं, जबकि लंबे टेन्योर तक वह सांसद रहे। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ इस बार जो है सो लड़ाई देना चाह रहे हैं अली अशरफ फातमी, लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी का विकास और नीतीश कुमार का साथ में खड़ा होना, यह जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें वह पार घाट उतरते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं अली अशरफ फातमी। और कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से मधुबनी, खासकर कहें कि मधुबनी इलाके में पूरे बेल्ट में जो है वो विकास के कई कार्य हुए हैं, चाहे इसके लिए चाहे मखाना को जीआई टैग जो दिया गया उसको लेकर भी जिक्र जो है वो मोदी करते हैं, वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं। और एक चीज़ है कि देखिए, लेकिन जो वहाँ का समीकरण है सर, यादव भी अगर MY इंटैक हो जाता है और निषाद इंटैक हो सकता है तो टक्कर जो है वो दे सकता है, हालाँकि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो खुद भी यादव ही हैं। देखिए, क्या हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। अली अशरफ फातमी दरभंगा से भी उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, बात समझ लीजिए, यस, और वहाँ पर जब वहाँ ब्लॉक हो गया रास्ता तो फिर वह वहाँ से चले। तो ऐसे में और किस पार्टी किस दल से आए, तो जनता भी देखिए, अब जनता वह सब कुछ समझती है कि कहाँ पर हमको करना है, क्या करना है, और जनता वैसे उम्मीदवारों पर मुहर नहीं लगाती है, इस बात को आप मान के चलिए। आप लाख तमाम कोशिश कर लीजिए, तमाम MY समीकरण, अन्य समीकरण को साधिए, लेकिन जनता को जब वहाँ पर वोट, जब मशीन पर जब आपको वोट पड़ता है तो वही 2 सेकंड बहुत बहुमूल्य होता है। ओके। और उसी बहुमूल्य घड़ी में निश्चित रूप से जनता जो है सो विकास के नाम पर वोट करती है और करती हुई अब तक चली जा रही है। एक चीज़ और है कि मधुबनी में AIMIM के भी उम्मीदवार हैं और जो AIMIM के उम्मीदवार हैं वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ वोट भी काट पाए तो भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। अगर 20,000-30,000 भी वोट लाए सब तो महागठबंधन का ही कटेगा ना। AIM ठीक है, वो वोट कटिंग होगा, वो उससे वह मुस्लिम वोट को ही काटेंगे, जो मैं अली अशरफ फातमी की वोट है, जो RJD की वोट है उसी को काटेंगे, वह अलग विषय है। लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, जनता अब जो है सो झोल झाल और बहकावे में नहीं आने वाली है, उसका स्ट्रेट है, सीधा उसका निशाना है कि कहाँ हमको स्ट्राइक करना है। चलिए अब चलते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में NDS से उम्मीदवार हैं राजभूषण निषाद, जो कि BJP के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय निषाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार तो वही हैं जो कि 2019 में है, लेकिन दल बदल गया, तो क्या लग रहा है कि दोनों का दल बदल गया। भारतीय जनता पार्टी से कभी वो उम्मीदवार थे, आज देखिए वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कभी वो विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण निषाद उम्मीदवार होकर के लड़े थे इन्हीं
अजय निषाद के खिलाफ, आज देखिए वह, तो यह जनता देखिए कुछ नहीं, जनता इस बार हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप देखिएगा मुजफ्फरपुर का परिणाम क्या होने जा रहा है, चौंकाने वाले हो सकते हैं, कोई चौंकाने वाला नहीं, वो अंडरस्टूड है, मुजफ्फरपुर में वो कोई भी मोदी की मैजिक, मोदी की गारंटी आपको मुजफ्फरपुर में, हमारी बात से कई लोग आपके जो व्यूअर्स हैं वह हमको ट्रोल करेंगे बोलेंगे, लेकिन यह इस बात को हम जान रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ फॉर नेशन बताता है, इस बात को से आप इत्तेफाक रखिए न रखिए, हो सकता है कि आपको मेरी बात से तकलीफ हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में अंडर करंट है और भाजपा के उम्मीदवार को ही आपको विजयश्री पताका लहराते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि रवि सर कह रहे हैं कि अंडर करंट है, थोड़ा मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि कांटे की लड़ाई जो है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए जब नामांकन कर रहे थे ना सर अजय निषाद, तो मतलब कि भीड़ नहीं देखी, पूरी कुर्सियाँ खाली रह गई, हम पार्टी के नेता वहाँ पर बोलते हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, जीतन राम मांझी जब आते हैं हेलीकॉप्टर से तो उनके लिए कोई बीजेपी का नुमाइंदा नहीं पहुँचता, तो ये सब छोटी मोटी नाराजगी जो है वो थी, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए में, बहरहाल कितना शॉर्ट आउट होता है और कर लिया गया होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल रवि सर ने कहा कि महागठबंधन के लिए कोई स्कोप नहीं है, अंडर करंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अजय निषाद कांटे की टक्कर जो है वो दे पाएंगे। नहीं देखिए वहाँ राजभूषण निषाद वर्सेज अजय निषाद, यही लड़ाई है। हाँ, यही लड़ाई है। राजभूषण निषाद भाजपा के उम्मीदवार हैं, ठीक है, अजय निषाद जो है सो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको लड़ाई दिखती कहाँ है वहाँ, राजभूषण निषाद के बारे में, राजभूषण निषाद पिछली बार भी वहाँ से लड़े थे विकासशील इंसान पार्टी के सीट टिकट से, इस बार उन्होंने भाजपा से लड़ रहे हैं और ये भाजपा के उम्मीदवार चले आए कांग्रेस में, तो देखिए कांग्रेस को वहाँ से देखिए जो आप सोच रहे हैं, जो चीज़ दिखाई पड़ रही है आपको, निश्चित रूप से आप नहीं देख पा रहे हैं, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ ग्राउंड में, वहाँ पर देखिए जो भूमिहार बहुल्य बेट है, अब आपको हम पूरा क्लियर, भूमिहार बहुल्य बेट है, बेल्ट है, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम वोटर का टर्नआउट जो है सो भूमिहार का होता है इस बात को, और भूमिहार जो है सो कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के, इसमें भी आपको इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद में देखिए निषाद, ठीक है, सन ऑफ मल्लाह निषाद, मुकेश सहनी जो है सो साथ में हैं आरजेडी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में, लेकिन वहाँ पर निषाद खुद कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में, और पहले वो विकासशील इंसान पार्टी में रह चुके हैं, तो वीआईपी के टैक्ट और फैक्ट दोनों को वो समझ रहे हैं, तो जब टैक्ट और फैक्ट को जब अगला समझ रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कहां पर क्या होने जा रहा है, तब ऐसे में आपका सवाल अगला होगा कि वह भी टैक्ट और फैक्ट समझ रहे हैं अजय निषाद भी, लेकिन वह समझने देखिए आप जब टैक्ट और फैक्ट समझ रहे हैं तो आप किसके वोट में डेंट करिएगा, भूमिहार के वोट में आप टैक्ट और फैक्ट समझ करके नहीं वोट कर सकते, डेंट कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप डेंट करते हुए समझ जाइएगा आपको माने हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट जो है सो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की के पास में हमेशा रहता है और वो रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला, यही तो, हाँ यही तो लग रहा था कि रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अब तक लग रहा है कि रहेगा। एक चीज़ और है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लिटमस टेस्ट जो है वो मुकेश सहनी का भी होना है, वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो अप्रूव करने की बारी सबसे पहले मुजफ्फरपुर में ही आएगी, अगर टर्नआउट अगर बड़े चंक अगर नहीं होता है अगर मल्लाहों का, तो कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक जो है वो मुकेश सहनी के लिए भी होगा, सिर्फ अजय निषाद नहीं हारेंगे, साथ साथ मुकेश सहनी भी हारेंगे। देखिए निश्चित रूप से आप तो कहिएगा तो आरजेडी ही हारेगी, आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पर है इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में, तो वह कोई बात नहीं है। देखिए चुनाव में जनता के मिजाज को, मूड को पढ़िए और समझिए, उसके बाद ही आप कुछ बात करें। हाँ चलिए अब अगली सीट पर बात कर सकते हैं, हाजीपुर की बात करते हैं, हाजीपुर में कौन जीतेगा। एक तरफ है फायर ब्रांड नेता युवा डायनेमिक चिराग पासवान, जिसके लिए जब हाजीपुर आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी तो 3 मिनट तक तारीफ ही करते रह जाते हैं चिराग पासवान के, ऐसी तारीफ पीएम मोदी की इस चुनाव में तो कम से कम किसी उम्मीदवार के लिए मैंने नहीं सुनी। दूसरी तरफ रविदास समाज से आते हैं शिव चंद्र राम, वो हैं उम्मीदवार, सर क्या लग रहा है। देखिए हाजीपुर में एक बात में एक लाइन में हम कहेंगे, हाजीपुर में कोई लड़ाई नहीं, इस बात को समझिए, वो रामविलास पासवान की थाती है, रामविलास पासवान की धरोहर है, रामविलास पासवान की लेगेसी है, रामविलास पासवान के चिराग पासवान पुत्र हैं, विरासत बचाने की बात है, तो कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, है। ये ठीक है, मतलब कहने और वाले शिवचंद्र, हाँ। देखिए शिवचंद्र राम और चिराग पासवान में अगर यदि आप करिएगा तो वह
वहाँ पर पासवान का एक एक वोट आपको इधर से उधर नहीं जाने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए सर। लेकिन ठीक है, मतलब कहने वाले कहते हैं रामविलास पासवान की ये सीट है, यहाँ से तो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, लेकिन हारे भी तो हैं 2009 में ना, रविदास समाज के, हाँ रविदास राम सुंदर दास रविदास समाज से थे। करें तो वह बात अलग है, वह कालखंड भी उस समय था, वह कोई हारने और जीतने का तो खेल ही है। लेकिन चिराग पासवान इस सीट से आप लिख के कागज पर रख लीजिए, हमको जब 5 तारीख को होगा तो हमको आप कहिएगा कि चिराग पासवान हारे। चिराग पासवान मार्जिन से वहां से जीते, शर्त लगाने को तैयार है आप? हाँ शर्त लगा रहे हो तुम करें, मार्जिन वोट से वहां से जीतेंगे चिराग पासवान। और चिराग पासवान की लड़ाई इस बार देखिए, नरेंद्र मोदी की सभा में भी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि वह रामविलास पासवान है और यह मार्जिन की लड़ाई होगी। यहाँ पर निश्चित रूप से मार्जिन की लड़ाई है, 1 लाख 2 लाख और हो सकता है। कि नरेंद्र मोदी की सभा में नरेंद्र मोदी सैनिक स्वयं कहा था कि रामविलास पासवान का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ना है, तो ये स्पष्ट है, उसमें कहाँ दिक्कत है, वो सब लोग देखा ही पड़ रहा है। चलिए, लेकिन आरजेडी वाले ऑन ग्राउंड पे बड़ा अच्छा से प्रचार करे जो दिख रहा है। और एक चीज और है सर, कि चिराग पासवान अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए समय नहीं निकल पा रहे, क्योंकि एनडीए के स्टार प्रचारक का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा, वो देखिए आप कई चीज़ों को बहुत, आप पिछले चरण में भी देखिएगा कि उजियारपुर में हम लोग बात करते थे कि उजियारपुर में नित्यानंद राय का चुनावी पैटर्न अलग है, आलोक मेहता का आपको हर जगह जगह पूरा जो सो उजियारपुर में लोकसभा क्षेत्र में गाड़ी प्रचार वाहन फलना ढकना दुकान लंबा प्रोसेस, तो वो था। लेकिन उजियारपुर में आप देखिएगा कि नित्यानंद राय जो पिछले चरण का चुनाव खत्म हुआ उसमें वो डोर टू डोर गांव से गांव अपना मिलते थे, चलते थे, अपने सबसे बात करते, प्रणाम सलाम करते हुए निकलते थे, तो वो अलग पैटर्न। तो वही चीज़ चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में आपको दिखाई पड़ रहा है। हाजीपुर में अब चिराग पासवान के पास समय भी नहीं है, हर जगह उनको जाना है, प्रचार प्रसार करना है, तो वो अपने क्षेत्र पर जनता ही उनका चुनाव लड़ रही है, बस इतने बात समझ के इसको आप समझिए। चलिए, रवि सर कह रहे हैं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है हाजीपुर में, और ये तो रवि सर जो है वो शर्त लगाने को तैयार है कि बड़े मार्जिन से हाजीपुर में चिराग पासवान जीतेंगे। अब बात करते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की, या सारण लोकसभा क्षेत्र में इस बार आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी। ये सीट जो है वो यादव और ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है, यादव 25% वोटर हैं तो 23% राजपूत वोटर भी इस सीट पर है, क्या लग रहा है सर? देखिए एक चीज़ आपको हम आज बता देते हैं, हाँ आज का मेजर डेवलपमेंट क्या है, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र जो महाराजगंज से लड़ने वाले थे, महाराजगंज से लड़ना चाह रहे थे, उनको नहीं मिला बेटिकट, आरजेडी ने उनको नहीं दिया, दरकिनार कर दिया, और वो बहुत बड़ी नाराजगी है। तो प्रभुनाथ सिंह के बेटा कौन है? रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह आज जेडीयू में शामिल हो गए, और प्रभुनाथ सिंह और रूडी, राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा से वहाँ सारण से उम्मीदवार हैं, उनके बीच में कितना मधुर संबंध है और एक दूसरे के लोग बहुत मान सम्मान करते हैं, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह प्रभुनाथ सिंह का वोट, जो वोट है वह आपको टोटल्स आपको पहले भी मिलता था, इस बार भी और एग्रेसिव होकर के और एग्रेशन के साथ मिलेगा, क्योंकि अब जो है सो प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार जेडीयू में एक तरह से शामिल हो गया, तो शामिल विधिवत हो गया, तो वो निश्चित रूप से रूडी के लिए और अब आराम की बात हो गई। अब जो है सो नहीं ठीक है, तो प्रभुनाथ सिंह जो है उनके बेटे राजपूत समाज से आते हैं, राजीव प्रताप रूडी भी राजपूत हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजपूत का बड़ा चंक इधर जाएगा, ये चंक नहीं एक एक वोट मिल जाएगा, एक एक। तो सुनील सिंह भी तो पूरा फील्डिंग कर रहे हैं उनके लिए, वो भी तो राजपूत समाज से है, फील्डिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े सिंह फील्डिंग कर रहे हैं, वो नहीं, इसको वहाँ ग्राउंड रियलिटी समझना पड़ेगा, अब तक कौन लोग वहाँ समय दिया। प्रभुनाथ सिंह का नाम आप देख लीजिए क्या है, वो कितनी बार वहाँ से एमएलए रहे, उनके परिवार के कौन अभी एमएलए हैं, कौन एमपी रहे कब, तो यह सब कुछ है, उनके भाई अभी एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं वहाँ से, तो वह ऐसे में आप देखिए उसको हर चीज़ को बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी करने से समझने से होता है। और अब आपका देखिए रोहिणी, निश्चित रूप से रोहिणी के प्रति लोगों को सिंपैथी है, रोहिणी के प्रति ये है, लेकिन वहाँ पर जब विकास की बात होगी, जहाँ पर जब उसके आधार पर जब वोट होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर वह दिखाई पड़ेगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव वहाँ कैंप करके जितोड़ में मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। चलिए तो ये जातीय समीकरण थोड़ा देख लेते हैं सर, वहाँ पर सारण लोकसभा क्षेत्र में क्या है, चंद्रिका राय भी राजीव प्रताप रूडी के साथ प्रचार माने साथ में है ना कि नहीं है, तो चंद्रिका राय कौन है? दरोगा प्रसाद राय, एक चीफ मिनिस्टर के पुत्र, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तो वह वहाँ पर
आपको बड़ा जादव में ही झोल झाल है वहाँ, इसलिए यह कोई टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि इधर से हो जाएगा वहाँ पर। और अब देखिए, अब आपको राजीव प्रताप यहाँ पर, वहाँ पर देखिए यादव 25% हैं, राजपूत 23% हैं, वैश्य वोटर 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12%। तो आप अगर यदि आप मुस्लिम और यादव 25% यादव और मुस्लिम 13%, इसी को आप जोड़ दीजिए तो हाँ 35-38 होता है, 38 होता है। इधर आप जोड़िए राजपूत, इधर ये 23 और 20 ही जोड़ लेते हैं, 43 हो जाता है मोटे चौंक पे, उसको भी हटा दीजिए, दलित 12% हाँ, भी हटा दीजिए हाँ, थोड़ा सा ये यहाँ पर लड़ाई आपको नहीं होती हुई दिखाई। लेकिन एक चीज है सर, देखिए 6 विधानसभा क्षेत्र है ना, ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र का, जिसमें कि मढ़ौड़ा में जितेंद्र राय आरजेडी के विधायक है, छपड़ा में सीएन गुप्ता जो है वो बीजेपी के विधायक है, गरखा से सुरेंद्र राम आरजेडी के विधायक है, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू है बीजेपी विधायक, परसा से छोटे लाल जो है वो चौधरी आरजेडी के है, हाँ। सोनपुर से रामानुज यादव, यानी कि 6 में से 4 पर आरजेडी का कब्जा है। बिल्कुल, वो देखिए विधानसभा की स्थिति अलग है, उससे ये मत कहिए कि विधानसभा में इतना सीट इनको मिल गया है तो इसलिए लोकसभा का सीट, देखिए लोकसभा का नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, यहाँ ये स्थिति नहीं है। हाँ, अगर विधानसभा का चुनाव होता तो फिर आपको झोलझाल दिखाई पड़ता है, अच्छा, लेकिन लोकसभा का चुनाव है इसलिए यहाँ पर झोलझाल आपको होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। और राजीव प्रताप रूड़ी जो है वहाँ पर आपको कंफर्टेबली वहाँ पर, और सुना है कि उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि लोग मतलब कि एक कॉल सेंटर स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने, देखिए 24/7 उनका कॉल सेंटर है, कहीं से आप फोन करिए वो एक फोन पर आपको एम्बुलेंस मिल जाएगा और हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा आपके पेशेंट को, तो यह सुविधा को, हाँ। तो ये बड़ी सुविधा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत क्या है, इस तरह से अनेक काम वो करते रहे हैं। तो सारण में भी जो है वो एज है बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी को कि वो जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। 20 मई को चुनाव होंगे, उससे पहले जो है वो रवि सर ने पूरा अंक गणित और पूरा जो समीकरण वहाँ का क्या करा, जो फीडबैक सर के पास आ रहे हैं वो भी बताए, और जो जातीय समीकरण के हिसाब से तो जो चीज़ें आ रही है उसके हिसाब से सर ने बताया कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में कौन जो है वो जीतने वाला है। फिलहाल अब तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।